हेलो वालको, तो हम सॉल्व कर रहे हैं अनसॉल्व, जिसमें से हमने दो लेक्चर ले लिए हैं अनसॉल्व के। तीसरा लेक्चर ले रहा हूँ, कम से कम 15-20 नंबर के लेक्चर में करा चुका हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा है ये भैया, और सेट 2022 का है। सेट नंबर का मैं बता दे रहा हूँ आपको, फिर से सुन लो। सेट नंबर 7 करा रहा हूँ पहले, 2022 का 347 GN नाम है, ठीक है। आपको सेट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना, लेकिन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है। देखो ये कराई गई है, मैं इनका आंसर दे रहा हूँ आपको। देखो कैसे करना, पेपर में दिया गया है, रिएक्शन को पूरा करिए। क्या लिखा है इन्होंने, COO ब्रैकेट 2 CA, यहां पर लिख दो शुष्क आसवन, यहां बना A। उसके बाद दूसरा डाल दिया उन्होंने क्या बेटा, NaOH डाल दिया, बना क्या बेटा B, और एक बना रहे बेटा मेथनॉल। एक कन्वर्जन ये दिया है। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, एक्चुअल में क्या रहा होगा इन दोनों केसेस में, बहुत ध्यान पूर्वक समझे। ये क्वेश्चन तुम्हारा कितने नंबर का भैया है, सब 5 नंबर का पूरा स्टेप भैया, एक स्टेप दो नंबर का ये काम है, यहाँ पर 2 नंबर रिएक्शन है। बहुत मजाक है इसमें, सीरियस नहीं कुछ भी। देखो कैसे हुआ, इनका नाम है कैल्शियम फार्मेट चाचा। कैल्शियम फार्मेट क्या करता है, जब भी शुष्क आसवित होता है तो केवल एक चीज देता है जिसका नाम फार्मेल्डिहाइड होता है। मतलब ए नंबर पे बनने वाली चीज क्या है, SCHO, हमेशा याद रखो। निकलने वाली चीज बाहर लिख दो, यहां पर CaCO3 निकल के बाहर हो जाएगा, सिंपल बाहर करो। तुम्हें ए पूछ रहा है, तुमने फॉर्मेल्डिहाइड बता दिया। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड में NaOH का डाला जाता है तो केवल और केवल एक अभिक्रिया होती है जिसका नाम होता है कैनिजारो। तो मेथेनॉल तो बनता है, दूसरा जो बी तुम लिखोगे वो बनेगा बेटा सोडियम फॉर्मेट। क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट। तो बेटा ये कैल्शियम फॉर्मेट मैंने बोला था ना, इसको कैल्शियम फॉर्मेट बोला होगा, कैल्शियम फॉर्मेट सोडियम फॉर्मेट। तो बेटा देख रहा, कैल्शियम फॉर्मेट सोडियम फॉर्मेट बहुत ही लॉजिक तरीके से देते टीचर लोग, बच्चा कंफ्यूजिया जाएगा पूरी तरीके से। तो आंसर खत्म, देख देना ए नंबर ये बी नंबर ये, कुछ नहीं चेक करेगा टीचर, चक्कर से नहीं देगा, एक नंबर एक नंबर, नो मोर रिटर्न। इसीलिए कहता हूँ रिएक्शन पे फोकस कर लो, सब पे फोकस ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन आती है 15-20-25-30 नंबर की, कुछ नहीं कर पाओगे, जाओ पास होने पर रिएक्शन आती है। क्या मजा आ गया, तो किया इन्होंने तुम्हारे साथ। दूसरा देखो छोटा मजाक और है, एक दूसरा इसमें क्या दिया है, CH3COOCl, यहां फॉर्मेट लिए थे, यहां कैल्शियम एसिटेट लिए हैं। कैल्शियम एसिटेट का भी क्या करा बेटा, ये शुष्क आसवन। अब जैसे शुष्क आसवन कराएंगे कैल्शियम एसिटेट का, तो सिंपल सा एसिटेट है तो एसिटोन बनेगा, क्या बनेगा एसिटोन, मतलब ए जो बनेगा यहां पर कैल्शियम एसिटेट का शुष्क आसवन कराने पर क्या बनता है, एसिटोन बनता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये रिएक्शन कंफर्म किसी न किसी रूप में दिखेगी आपको, मैं कह रहा हूं मानो, ये एसिटोन बन गया तुम्हारा, एसिटोन बन गया। दूसरे नंबर क्या करा उन्होंने, HCN से क्रिया कराई है, ये A बना। अब उसमें क्या डाल दिया बेटा, HCN डाल दिया। अब जैसे ही एसिटोन में HCN पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूं क्या बनेगा, CH3CNOH। आपको समझ में आया कैसे हुआ होगा, एक्चुअल में जो एसीटोन है इसको खोल के अगर लिखा जाए तो यहां देखो तुम इतने डिब्बे लिखता हूं, तो ये है CH3CO CH3, बोर्ड हिल रहा है मेरा। अब इसमें जब HCN अटैक करेगा तो H पर प्लस होता है, CN पे क्या होता है माइनस, ये धम्मसानी इसके पीछे से मारता है, CN इसके पीछे जुड़ जाता है, तो ये बॉन्ड क्या होता है आगे चला जाता है सॉरी तो यहां पर आ जाता है बेटा नेगेटिव, जुड़ कौन दिया है CN, एच कहाँ जाएगा इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा OH। इस कार्बन पर एक OH एक CN, इस कार्बन पर एक OH एक CN, तो बी नंबर तुम्हारा ये बन गया। सी नंबर पे क्या है भैया, जल अपघटन, सी पे देखो क्या होता है जल अपघटन। अब इसमें बेटा जब आप जल डालोगे H3H2O H+, ये जल अपघटन होता है, जल टोप डालो तो बेटा ये किस में बदल जाएगा, COH में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा COH में बदल जाएगा। तो बेटा सी प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा, CH3OH CH3, और ये हो जाएगा COOH, दिख रहा है, देख लो एक बार, हाँ तो दिख रहा है बेटा आपको। तो बेटा जल अपघटन कराने पर ध्यान रखो, हमेशा CN ग्रुप COH में बदलेगा, जल अपघटन कराने पर हमेशा CN ग्रुप COH में बदल जाएगा। तो बेटा एक 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 दो नंबर ऊपर वाले में, 5 नंबर मिले मजाक में, ये लर्न रखो हमेशा के लिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, किसी न किसी रूप में आपके सामने दिखते ही रहेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर, और क्या है
बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण, रोजरमुंड अपचयन, ये लेक्चर मैं तुरंत बता सकता हूँ, लेकिन 5 मिनट के लिए इतना ही कवर कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर तुरंत बनाता हूँ, उसको मैं अपलोड करूंगा, 5 मिनट वीडियो अपलोड करूंगा तो तुम देख लोगे कि तुम बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये रिएक्शन नोट कर लो खटसानी, ठीक है, बढ़िया मैंने लिख दिया है, जैसे लिखा वैसे लर्न कर लो, इसी को याद कर लो सभी लोग, क्लास 12th रिमेंबर, और शेयर भी कर दिया करो तुम लोग, ठीक है, जितने यूपी बोर्ड के बच्चे उन्हें लगभग शेयर कर दो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।